Welcome my dear students in my YouTube channel Avadh English Classes. Today we shall learn about the verb. Come on, the verb, first of all definition. A verb is a word that denotes an action. In a second definition we can say a verb is a word that saying something about a person or a thing. अर्थात verb वो शब्द होता है जो किसी के बारे में कुछ कहता है, अर्थात जिस किसी शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम verb कहते हैं. ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम verb कहते हैं. Verb is very important part of speech. Without the verb, we cannot make a sentence. According to Jesse Nesfield, he has divided verb into three parts. Jesse Nesfield divided verbs into three parts. First part of the verb is transitive verb. And second part of the verb is intransitive verb. And the third part of the verb is auxiliary verb. Now, today I have to discuss about the auxiliary verb. Auxiliary verb को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं अथवा हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, आइए देखते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. फर्स्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. फर्स्ट इज बी, सेकेंड इज हैव एंड थर्ड इज डू. These are three auxiliary verbs, and in these three verbs there are some other type of verbs also. In teen prakar ki verbs mein bhi alag alag prakar ki verbs paayi jati hain. Jaise be mein is, am, are, was, were. ये चार पांच प्रकार की वर्ब बी के अंतर्गत पाई जाती हैं. हैव के अंतर्गत हैज, हैव एंड हैड. ये तीन प्रकार की वर्ब हैव के अंतर्गत पाई जाती हैं. डू के अंतर्गत डू, डज और डिड. ये तीन प्रकार की वर्ब डू के अंतर्गत पाई जाती हैं. यहां पर हमको देखना है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर जो पहली प्रकार की वर्ब्स हैं, इनको हम लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं. इनका यूज हम लिंकिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं. आइए देखते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किन किन टेंसेस में होता है. तो पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके अंतर्गत हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है. इसके अलावा जो दूसरी मेन वर्ब है वाज, वेयर, इसका प्रयोग हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं और इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी अर्थात वर्ब की इन फॉर्म का प्रयोग करते हैं. कहने का मतलब यह है कि बी फॉर्म का जो यूज है अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में करते हैं. इनके साथ मेन वर्ब की इन फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. जब फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में वर्ब की इन फॉर्म का प्रयोग होता है जिसको पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है. इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हैव पर. हैव के अंतर्गत तीन प्रकार की वर्ब्स हैं, हैज, हैव, हैड. हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है. हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है
और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। और यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब का, उसके अंतर्गत डू और डू में तीन प्रकार की प्रमुख रूप से वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। पहली वर्ब है डू डस और लास्ट है डिड। डू डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इसमें करते हैं। डू और डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा डिड का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव शब्द, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ अर्थात डिड के साथ जो वर्ब की फॉर्म का यूज होना है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यह प्रश्न प्रायः कंपटीशन में पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन अबाउट दिस थिंग क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड इन द कंपटीशंस। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।